नमस्कार, दिव्य ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट पे। आज हम बात करने हैं 8 चक्रा जो हमारी बॉडी में है उनके बारे में। आज से पहले आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, राइट? सबने सुना होगा ये, या पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या किसी से भी सुना होगा, सबने 7 चक्रा सुने होंगे। लेकिन हमारी बॉडी में 7 नहीं 8 चक्रा होते हैं। अब वैसे तो अगर हम ओवरऑल बॉडी देखें तो हमारी बॉडी में 108 चक्रा होते हैं। यहाँ पे भी चक्रा होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी, हर जगह होते हैं जहां से हमारी बॉडी एनर्जी लेती है इस यूनिवर्स से, इस एनवायरमेंट से, राइट? लेकिन जो उसमें मेन चक्रा है जिससे अभी की हम जिसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, वो 8 चक्रा। 7 चक्रा के बारे में सबने सुना होगा, 8 चक्रा हमारे इससे थोड़ा सा ऊपर होता है जिससे हमारे पास यूनिवर्स से या डायरेक्ट डिवाइन से हमारे पास एनर्जी आती है और वो हमारे हर चक्रा में नीचे सप्लाई होती है, हर चक्रा में नीचे तक जाती है, राइट? वो इस वाले चक्रा से आती है जो हमारे क्राउन से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां से। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारी बॉडी में जो चक्रा है वो बैलेंस है और एक्टिवेटेड है, या वो बैलेंस भी नहीं है और एक्टिवेटेड ही नहीं है, यानी कि उन चक्रा से आज तक हमने कोई काम नहीं लिया। और अगर वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो वो बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। बैलेंस कैसे होता है कि हमारी बॉडी में सारे चक्रा लाइन में होने चाहिए, राइट? अगर हम यहाँ से आए, यहाँ पे आए, तो ये सारे बिल्कुल नीचे तक, बेसिक चक्रा तक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इक्वल उसमें होने चाहिए। लेकिन किसी भी चक्रा से रिलेटेड, हर चक्रा अलग रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अगर हम किसी भी चक्रा से रिलेटेड बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थ्रोट चक्रा के बारे में बात करती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। हमारे थ्रोट चक्रा का काम क्या है? कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है, राइट? सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी बात भी ना बोल रहे हो पर हमें बहुत अच्छा लगेगा। उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड होता है इसलिए सबको उनकी बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा हमारे देश में हुए हैं जिनकी बातें हमें सुनने में आया, हमारी मम्मी भी बोलती थी, यानी कि हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि वो गुरुजी हैं, वो जो भी बोलते हैं वो भविष्यवाणी सच हो जाती है। आपको कोई भी आशीर्वाद उसने दे दिया या रैंडमली आपको बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा, वो तुरंत हो जाता है। वो हमसे अलग नहीं थे, वो भी इसी धरती पे उन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया था, हमारे जैसे ही थे, लेकिन उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड था। थ्रोट चक्रा उनका एक्टिवेटेड कैसे हुआ? मेडिटेशन से हुआ। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, उनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट थी, उन्होंने जो कहा वैसे ही किया। उनके सामने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई भी, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो भी बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है। सामने वाले को बुरा लग रहा है उनको तब भी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सच होता है, उन्होंने वैसा ही बोलना है। हमेशा उन्होंने लोगों को लेकर अच्छी भावनाओं से चीजें बोलनी है क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता जब भी वो किसी को कोई चीज बोलते हैं। जैसे उनके पास कोई आता है कि गुरुजी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि आपका बिजनेस अगले महीने से चलना शुरू होता है, राइट? उसमें उनको कोई स्वार्थ नहीं होगा। कोई जाएगा वो कहेगा जी मुझे बच्चा नहीं हो रहा, वो कहेगा जी आपको बच्चा हो जाएगा, राइट? उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, राइट? ये बात आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, इसीलिए उनका ये वाला चक्रा, तो थ्रोट चक्रा, कभी खराब हुआ ही नहीं है क्योंकि ना उन्होंने किसी को गाली दी है, ना किसी को लेकर गलत सोचा है, ना किसी को लेकर गलत बोला है। उन्होंने अपने मुंह से, अगर हम सिखिज्म में जाए तो उन्होंने गुरबाणी पढ़ी है, ऐसे जो बहुत सारे पाठ हैं सिखिज्म में वो पढ़े हैं। अगर हम हिंदुज्म में आते हैं तो हिंदुज्म में बहुत सारे पाठ हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए अलग पाठ है, भगवान शिव के लिए अलग पाठ है, बहुत सारे मंत्र उच्चारण है, बहुत सारे, ओम को ही हम ले लें, किसी भी मंत्र को ले लें, उन्होंने बहुत सारे मंत्र उच्चारण किए हैं। अगर हम इसमें मुस्लिम में अगर हम जाते हैं तो उनकी भी होती है जो वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी वो पढ़ी है, तो उन्होंने या वो चीजें पढ़ी हैं या लोगों के लिए शुभ भावनाएं रखी हैं, राइट? मतलब कुछ भी, जो भी जिसको दिया है, जो भी बोला है, वो उनको लेकर बोला है, उनका पर्सनल अपना कोई स्वार्थ नहीं होता उन चीजों में, या उन्होंने भगवान का नाम लिया है, या लोगों के साथ जो भी अच्छे विचार जो भी उनके पास होते थे उन्होंने लोगों के साथ शेयर किए, तो उनका ये वाला चक्रा तो कभी खराब हुआ ही नहीं। हार्ट चक्रा उनका क्यों खराब नहीं हो? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को हार्ट किया ही नहीं है, उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। हमारे जैसे लोग बोलेंगे या कोई और बोलेंगे जी झूठ तो बोलना ही पड़ता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है,
या कुछ भी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, बट नहीं, हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेट रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े। पहले हमें इन चीजों का मतलब नहीं पता था कि इनसे क्या होता है, क्यों होता है। पहले बड़े हमें बोलते थे ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हम झूठ बोलते थे। हमें लगता था झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने, हर चीज के पीछे रीजन होता है, झूठ बोलने के पीछे ये रीजन होते थे। उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये क्यों नहीं बोलना, पर उनको ये पता था कि ये नहीं बोलना है। हमारा ये वाला चक्रा, हम अलग अलग तरीके से झूठ बोलते रहते हैं लोगों को, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, यूजलेस झूठ जो रिक्वायर्ड भी नहीं होते, बस हमें आदत हो चुकी है। अब हम अपने हार्ट चक्रा पे आएंगे, तो हमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने हमें हर्ट किया होगा। अब हमारा वैसे भी प्रॉपर मतलब वर्किंग भी नहीं है और बैलेंस भी नहीं है, यानी कि चीजें हमारी दोनों तरीके से खराब है। अब हम किसी के पास भी बैठते हैं, बात करते हैं, हम कहेंगे जी हम मेंटली ठीक नहीं है, हम ओवरथिंकिंग करते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही, अब हम फिजिकली भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली भी हम ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या मेरी जॉब अच्छी नहीं। हमारी जीवन में हम कहेंगे हर तरह की समस्याएं हैं हमारे जीवन में, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी चक्रा हैं, हर चक्रा डिसबैलेंस है, कोई बैलेंस में नहीं है और कोई एक्टिवेटेड नहीं है। और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था कि चक्रा नाम की भी कोई चीज है इस दुनिया में, हमें इसके बारे में भी सोचना है या कुछ करना है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है। अब बहुत सारे लोग, अभी हमने हार्ट चक्रा के बारे में बात की, राइट, कि हार्ट चक्रा से हम भी हार्ट हुए हैं, लोग भी हमसे हार्ट हुए, तो हमारा हार्ट चक्रा भी ठीक नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करें थर्ड आई चक्रा, तो हमने ओवरथिंकिंग कितनी की है जीवन में, छोटी सी घटना होती है हम पूरी रात नहीं सो पाते, पूरी रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस अलग अलग तरीके से उस बात को सोचेंगे कि ऐसे हुआ। ये वाला चक्रा भी हमारा खराब है, बेसिक चक्रा भी हमारा खराब है, हमें अलग अलग तरीके से डर लगता है, एंजाइटी, शेम, बस हमारा सोचने का, ये चक्रा हमारे एक्टिवेटेड हुए और बैलेंस हुए तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो आपने इसके बारे में, मैं अभी आपको थोड़ा सा सब चीजों के बारे में बता रही थी, मैं एक एक चक्रा पे वीडियो बनाऊंगी, अभी कुछ दिनों के अंदर भी डालेंगे हम एक एक चक्रा के बारे में, कि आपने कैसे चेक करना है कि चक्रा आपका ठीक है कि नहीं है, और इसको एक्टिवेटेड कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में अभी कुछ दिनों के अंदर ही हम वीडियोस बनाएंगे, आपने सारी वीडियोस देखनी है, तो आपको खुद अपने आप पता चलेगा कि मेरी बॉडी में अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, मतलब तो आपका ये वाला सोलर प्लेक्सिस चेस्ट के थोड़ा सा नीचे ये वाला चक्रा खराब है, आपको लगेगा जी हमें तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें एसिडिटी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं, हमसे प्रॉपर खाना नहीं, आपकी बॉडी में आपके चक्रा बैलेंस नहीं है। जिनके हैं वो नॉर्मल अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से उनको डाइजेस्ट हो जाता है, 2 घंटे बाद उनको पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ खाया है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा खा लिया तब भी कुछ नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके सारे चक्रा बैलेंस होते हैं। लेकिन आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके सारे चक्रा बैलेंस है, जिनके हैं वो अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है वो हर लास्ट सिचुएशन में बहुत खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइफ से शिकायत नहीं है, वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में। तो हम आने वाले टाइम में अलग अलग तरह की आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें 7 चक्रा के बारे में बताएंगे, आप अपने चक्रा एक्टिवेट भी कर सकते हो और बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।